हे हाय एवरीवन, इट्स मी रीति। और आज मैं जा रही हूँ कालीघाट, जो कि बांसघाट के पास है। और बांसघाट मुझे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं पास में ही थी। एंड मैं मॉर्निंग में निकली हूँ बिकॉज सैटरडे का दिन था, तो मुझे लगा काफ़ी भीड़ होगा मंदिर में। तो मैं करीबन 8:30 बजे या 9 बजे मैं निकल गई। 9 बजे मैं मंदिर पहुँच गई। मैंने देखा कि मॉर्निंग में भी काफ़ी भीड़ थी और फिर भी हम लोगों ने पूजा किया, अच्छे से किया, और सभी भगवान के दर्शन भी किए। तो चलो चलते हैं और दर्शन करते हैं काली माँ का। ये मंदिर स्पेशली काली माँ का ही है, बट यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं, जैसे कि दुर्गा माँ हैं, शिव जी हैं, हनुमान जी आपको मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे शनि भगवान भी हैं और साईं बाबा भी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे भगवान भी हैं, तो सभी के दर्शन हम लोगों ने किया। यहाँ पे आपको आने के बाद बकेट लेना होता है, जो कि हम लोगों ने लिया, वो 40 का था। इसमें आपको नारियल फूल और कुछ पूजा के सामान भी देते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि स्लीपर्स खोलने के लिए कोई भी यहाँ का नहीं कुछ है बना हुआ, तो आप जहाँ से पूजा के सामान लेते हो ना, वहीं पे आप स्लीपर खोल कर रख सकते हो। जब आप आओगे तब आप वहाँ से पहन कर जा सकते हो, आपका सेफ रहेगा। तो अभी चलते हैं मंदिर और देखते हैं पूरा मंदिर कैसा है और भगवान के दर्शन भी करते हैं। तो चलो हमारे साथ काली माँ का दर्शन करने के लिए। इसमें तो शिवजी है, नारियल का फूटता है ही बना, नारियल नहीं फूटता है बाहर में। हाँ दी, फोटो ने ना क्लिक कर दिया रे, भी कि बताया कि यहाँ पे बहुत सारे भगवान भी थे। इसमें कृष्णा जी भी थे और शनि भगवान भी थे। तो वहाँ पे तिल का दिया बहुत मिल रहा था, जो कि सैटरडे के दिन हम लोग गए थे, तो वहाँ पे तिल का तेल बहुत चढ़ रहा था, तो उसके कारण और भी भीड़ थी, तो इसलिए इतने सारे दिए मिल रहे थे। दिए आपको 10 रुपये प्राइस, हर एक दिया का 10 रुपये प्राइस है। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लिया भगवान का, और अब हम लोग चलते हैं घर, बिकॉज गर्मी बहुत हो रही थी, भीड़ भी बहुत थी। तो हम लोग फटाफट पूजा किए और भगवान के दर्शन किए, सभी भगवान के दर्शन किए, और अब हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। चलते टाइम हम लोग को बहुत जड़ की प्यास लगी थी, तो हम लोगों ने लस्सी भी पिया बिकॉज गर्मी बहुत थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और मैं धीरे धीरे ऐसे ही प्रोग्रेस करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।